की विधि है, किहड़े प्रोसैस दे नाल किसी महिला दे नाम दे उत्ते जमीन जायदाद करवाई जा सकती है? ये विच पंजाब सरकार वालों जे तुसी लेडीज़ दे नाम ते रजिस्ट्री कराते हो तो 2% अस्टाम ड्यूटी की छूट दी गई है जी। कई बार घर इस गल नूं लैके कलेश भी होंदे देखे हैं जी, मुड़ के अदालतों के रुख भी करते देखे हैं, क्योंकि जनानियां कई बार पेके परिवार वालों कह लो या कोई माड़ी मत देने वाला टक्कर जाता, वो कहिंदा तेरे नाम ते जमीन ज्यादा है तू की लैना है, मतलब ये कई दूरगामी नुकसान हैगे, पर क्योंकि सरकार ने छोड़ दी हुई है इस वास्ते लोग कराई जाते हैं। पहला भी तुसीं जिक्र किया है कि उस व्यक्ति की माँ का जां प्यो का हिस्सा उस जमीन जायदाद दे विच नहीं रह जाता जो उस औरत दे नाम हो जाती है, पर जेकर वो चाहे तो कर सकती है, जेकर वो चाहे तो तब्दील मिलकियत करके कर सकती है जी, जां वसीयत कर सकती है जी, क्या होर कोई इहदा सीधा साधन नहीं है? अलवाली साहब, जिस तरह अक्सर देखा जाता है कि विआह हो गया, विआह तो बाद दे विच जमीन औरत दे नाम ते करवा दित्ती उहदे घर वाले ने, पर उस तो बाद नोक चोक हुई, डिवोर्स तक गल पहुँच गई, डिवोर्स भी हो गया, दोवें अलग अलग हो गए, तो फिर उस जमीन का की बनेगा? वो दे नाम रहेगी या वापस हो सकता? मेहनत की व्यक्ति ने आमदन उन्हें की, ठीक है, जमीन कराती औरत दे नाम पे जी, जो लीगली डाइवोर्स हो गया ठीक है, जो डाइवोर्स के विच ही एक शर्त लिखी जाएगी कि इस जमीन का की किया जाएगा जी, जिमें बच्चों बारे फैसला कर दी अदालत, इदा ही अदालत वह फैसला करेगी भी ये जमीन जी है खरीदी तो फलाना सिंह ने अपने पैसों चो सी पर कराती जनानी के नाम जी, ये इन्ना हिस्सा उन्होंने मिलेगा ज नहीं मिलेगा ये अदालत पर डिपेंड करता, मौके के हालात पर डिपेंड करता। सत श्री अकाल, D5 चैनल पंजाबी दा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com कानून जायदाद दा देख रहे देश विदेश दे दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करदा। इस प्रोग्राम दे विच वख-वख मुद्दयां दे उत्ते गल करदे आं, वख-वख मसलियां नूं लैके गल करदे आं, ते मसले जुड़े हुंदे ने जमीन जायदाद दे नाल कि जमीन जायदाद दा कानून की है ते इन्हां मसलियां दा किवें हल कढ़िया जा सकदा है। इस प्रोग्राम दा हिस्सा बनदे ने साडे नाल रिटायर्ड नायब तहसीलदार गुरप्रताप सिंह आलूवालिया। आलूवालिया साहब अज भी साडे नाल मौजूद ने, सब तो पहला उन्हां दा स्वागत करते हैं। सर स्वागत है जी तुहाडा। सत श्री अकाल जी, D5 चैनल देख रहे दर्शकों का स्वागत कर रहे। तहसीलदार साहब, अज दे प्रोग्राम दे विच असीं खास तौर पर चर्चा करांगे कि लोग औरतां दे नाम ते जमीन जायदाद करवा देंदे ने, रजिस्ट्री करवा देंदे ने, उहदे किन्ने क फायदे हुंदे ने, की नुकसान हुंदे ने, तो कौन करवा सकता है, ये सारिया गल्लां दे उत्ते अज असीं इस प्रोग्राम दे विच चर्चा करांगे। तो सब तो पहला यही कि की विधि है, किहड़े प्रोसैस दे नाल किसी महिला दे नाम दे उत्ते जमीन जायदाद करवाई जा सकती है? धर्मेंद्र जी, सब पिछला क्वेश्चन मैं तुहाडा पहला लैना, प्रोसैस रजिस्ट्री वाला ही है जी, जो कोई व्यक्ति कोई चीज़ खरीदता है उहदा जो प्रोसैस हुंदा है उही प्रोसैस है कि जो किसी लेडीज़ के नाम पर जमीन जायदाद करानी हो प्रोसैस सेम रहिंदा जी। दूजा तुहाडा क्वेश्चन है भी किवें कराई जाती है, इहदे विच पंजाब सरकार वालों जे तुसी लेडीज़ के नाम पर रजिस्ट्री कराते हो तो 2% अस्टाम ड्यूटी की छूट दी गई है जी, सिर्फ इसे लालच करके जो लोग हैं वो रजिस्ट्रियां जिहड़ियां हैगियां लेडीज़ के नाम पर करा देंगे। जे आप देखिए तो लेडीज़ के नाम पर रजिस्ट्री कराने का शॉर्टकट फायदा जी, नंबर एक स्टाम ड्यूटी की बचत होंगी है 2%, नंबर दो किसी पद्धर से जे कोई व्यक्ति नशेड़ी है, जुआरी है, या उसनू कोई ऐब खैब है तो उसकी जमीन जायदाद इस करके बची रहती है कि वह जनानी के नाम हुई होंगी है जी, लेडीज़ के नाम हुई जे उहदे नाम होवे तो उन्हें किसी ना किसी तरीके बैक कर देना या गहने कर देना, ये दो तो ये इंस्टेंट प्रॉफ फायदे हैं जी, ठीक है।
जिहड़े नुकसान है नुकसान इहदे लॉन्ग टर्म है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिन्हें अपनी घरवाली दे नाम ते जायदाद कराती जी आमदन तो उन्हें कीती है ना, मेहनत उन्हें कीती है, सिर्फ 2% बचाने वास्ते उन्हें जनानी दे नाम ते कराती। कल नूं जे कोई वह अपने जमीन दे सुधार वास्ते जां किसी होर चंगे काम वास्ते करजा लेना चाहता है जी तो वह जनानी की रजामंदी तो बिना ले नहीं सकता। कई बारी घर इस गल नूं लैके कलेश भी होंदे देखे हैं जी, मुड़ के अदालतों के रुख भी करते देखे हैं, ठीक है, रिश्ते टुटते भी देखे हैं क्योंकि जनानियां नूं कई बारी पेके परिवार वालों कह लो या कोई माड़ी मत देने वाला टक्कर जांदा, वो कहिंदा तेरे नाम ते जमीन ज्यादा है तू की लैना इहदे तों, ठीक है जी। अजिहा करके कई बारी समाजिक तौर पर बड़े लंबे केस चल जाते हैं जी, तो उहदे च नुकसान जिहड़ा हैगा फैमिली का हो जाता है, बच्चे रुल जाते हैं, माता पिता रुल जाते हैं क्योंकि जनानी अप जिहड़ी चीज़ उहदे नाम होगी वह कभी माता पिता नूं नहीं देगी जी। जे मुंडे दे नाम ते है तो उहदे च वी एक हिस्सा माता दे नाम जाएगा ही जाएगा जी। जे लेडीज़ की डैथ हो जाती है तो माता दे नाम तो कुछ नहीं जाना। बिल्कुल जी, ठीक है, मतलब इहदे च कई दूरगामी नुकसान हैगे पर क्योंकि सरकार ने छोड़ दिती हुई है इस वास्ते लोग कराई जाते हैं। हुण अजकल अंदाजा मेरे ख्याल है बई जे आपां तहसीलों का रिकॉर्ड खोल के देखिए जी तो 70 to 75% ट्रांजैक्शन जिहड़ियां हैगियां वो लेडीज़ के नाम पर हो रही जी। यही जे सरकार उदा ही स्टाम्प ड्यूटी घटा दे 2% लेडीज़ नूं छोड़ देने की बजाय टोटली 2% घटा दे तो कोई भी व्यक्ति अपनी जायदाद जां खरीद नवी खरीदने वाली जायदाद जनानी के नाम पर नहीं कराएगा। बिल्कुल जी। अलवर साहब, उम्र हद भी कोई होंदी है कि किन्ने तो लैके किन्नी उम्र तक जमीन जायदाद औरत दे नाम ते करवाई जा सकती है, खासकर बच्चियां दे संदर्भ च कि छोटे बच्चों के नाम भी करवाई जा सकती है? हाँ, इहदे च उम्र की कोई हद नहीं, तुसी एक दिन के बच्चे तो लैके 100 साल के बजुर्ग तक किसी के नाम भी लेडीज़ के तुसी जायदाद खरीद सकते जी, कोई रोक टोक नहीं है जी। ते नाल ही पहला भी तुसी जिक्र किया है कि उस व्यक्ति की माँ का या प्यो का हिस्सा उस जमीन जायदाद नहीं रह जाता जो उस औरत दे नाम हो जाती है, पर जेकर वो चाहे तो कर सकती है, जेकर वो चाहे तो तब्दील मिलकियत करके कर सकती है जी, या वसीयत कर सकती है जी, ठीक है, होर कोई इहदा सीधा साधन नहीं है, विरासत सीधी नहीं हो सकती मापिया के नाम से जी, जे वसीयत रजिस्टर हो गई है तो ही हो सकती है, या खानगी वसीयत जी झूठी बनाते हैं लोग वह हो सकती है, या फिर तब्दील मलकीयत करके उससे स्टाम नहीं लगता वो कराई जा सकती है जी। तो जिस तरह बच्चे ने तो बच्चों के नाम कोई मतलब बाद दिक्कत तो नहीं आती कि औरत के नाम से जमीन आ बच्चे ने तो बच्चों के उस विधि वंडी जाती है जिस तरह एक बाप की जमीन वो बच्चों मिल? हाँ, इसी तरह वंडी जाती है जिमें किसी व्यक्ति की मौत तो बाद जमीन वंडी जाती है उस तरह लेडीज़ की मौत तो बाद जमीन जी है कुदरती वारसां के नाम आ जाती है जे उन्हें कोई किसी के हक च वसीयत ना कराई हो जी। जिथे तक सवाल हैगा जे जायदाद लड़की दे मापिया वालों उन्हें मिली है तो उसकी वह वसीयत नहीं करा सकती जी, ठीक है, वो जनरल तौर पर ही वो वारसा के नाम पर जाएगी, ठीक है, जे उदा अपना कोई वारस नहीं है तो वह जमीन जी है मुड़ के वो भरावां दे नाम या भरावां दे वारसा के नाम पर जाएगी जी। अलवाले साहब, जिस तरह अक्सर देखा जाता है कि विआह हो गया, विआह तो बाद दे विच जमीन औरत दे नाम ते करवा दित्ती उहदे घरवाले ने, पर उस तो बाद नोक चोक हुई, डिवोर्स तक गल पहुँच गई, डिवोर्स भी हो गया, दोवें अलग अलग हो गए, तो फिर उस जमीन का की बनेगा, उहदे नाम रहेगी जां वापस हो सकदी? हाँ, धर्मिंदर जी, ये बड़ा पेचीदा ते लीगल सवाल है जी, क्योंकि मेहनत की व्यक्ति ने आमदन उन्हें की
ठीक है, जमीन कराती औरत दे नाम ते जी, जदों लीगली डाइवोर्स हो गया ठीक है, जां तां डाइवोर्स दे विच ही एक शर्त लिखी जाएगी कि इस जमीन का की किया जाएगा जी, जिवें बच्चों बारे फैसला करती अदालत ऐदा ही अदालत उहदा फैसला करेगी भी ये जमीन जिहड़ी हैगी खरीदी तां फलाना सिंह ने अपने पैसों चों सीगी पर कराती जनानी दे नाम जी, इहदे चों इन्ना हिस्सा उहनूं मिलेगा जां नहीं मिलेगा ये अदालत ते डिपेंड करदा, मौके दे हालातां ते डिपेंड करदा जी। लीगल तौर पर फिर बंदे का कोई हक रह नहीं जाता जो उसने जनानी के नाम से कराती तो कराती जी, जो कोर्ट चाहे और कोर्ट तो डिमांड करे कोर्ट हालात देखेगी वो मुताबक जो हो सक होएगा लग्या कोर्ट नू तो वह ऑर्डर कर सकती है कि हाँ इन्ना हिस्सा ये बच्चों इन्ना घर वाले जी इन्ना देगी है जी। जलवाले साहब तुसी प्रोग्राम का हिस्सा बने तो जिक्र किया कि जेकर असी किसी औरत के नाम से महिला के नाम से जमीन करवाने तो वो की फायदे होंगे ने की नुकसान होंगे ने समाजिक संदर्भ के दस दिता है तो जो निजी लोगों के मसले होंगे ने बारे भी दस दिता है थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद है जी। सत श्रीकाल। सो इस प्रकार इस प्रोग्राम के अपना भी सवाल साढ़े नाल साझा कर सकते हो, अक्सर तुहाडियां कॉल्स भी आउंदियां जिन्हें भी दर्शक साढ़े प्रोग्राम देखते हैं कॉल्स करते हैं असी सीधी तहसीलदार साहब के गलबात करवा दें तो उस तो बाद मसले हल भी हो जाते हैं। स्क्रीन के उत्ते दो नंबर दिए हुए हैं, दोनों नंबरों के उत्ते तुसी वट्सएप भी कर सकते हो कॉल भी कर सकते हो, जेकर तुहाडा कोई सवाल है तो तुसी उस सवाल नूं इनबॉक्स दे विच भी भेज सकते हो। जिस तरह के नाल असी यूट्यूब के उत्ते इस प्रोग्राम नूं प्रसारित करांगे तो उस प्रोग्राम के थले जिहड़े कमेंट बॉक्स आ उहदे विच भी जाके तुसी सानूं अपना सवाल दस सकते हो अपना नंबर छड़ सकते हो तो असी कोशिश करांगे कि तुहाडे मसले का जमीन जायदाद के मसले का कोई ना कोई हल कढ़िया जाए। सो इस तरह नवा मुद्दा लैके फिर हाजिर होवांगे, फिलहाल इजाजत दिओ, धन्यवाद।